जी बोलिए आप क्या निर्णय लिया है? हम लोगों ने और हमारी माता ने ये निर्णय लिया है कि जिस वियोग में हमारे पिताजी ने अपने प्राण दिए हैं, जो उनके साथ छल हुआ है, उस छलावे को के लिए हम लोगों ने यही निर्णय किया है। उन्होंने कहा है सबसे कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे और आज ये फैसला सभी लोगों के अपने परिवार और मेरे पिताजी के सभी शुभचिंतक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबके उनके रिश्ते थे। उनके रिश्ते कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं थे, उनके व्यवहारिक रिश्ते थे। उस व्यवहारिक रिश्ते से ने ही आज 85 से ले के आज तक हमें संभाला। मेरे पिता के माता पिता गुजर गए थे, ये दरियाबाद की जनता थी जो उन्हें माता पिता के प्यार की तरह रखा और इस स्थान पे रखा कि आप सभी का वो मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम ये चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, हम नहीं जानते हैं कि क्या है चुनाव, लेकिन हाँ हमारे पिता की ये अंतिम इच्छा जरूर थी कि ये उनके ज़िंदगी का ये आखिरी चुनाव था। ये चीज़ वो क्षेत्र में भी कहते थे, शीर्ष नेताओं से भी कहा था और उनके सम्मान के लिए हम इस चुनाव के मैदान में निर्दलीय लड़ने का घोषणा करते हैं। और हमारी ताकत पूरी दरियाबाद क्षेत्र की जनता है और हमने कहा, हम पहले भी कहते थे, कोई टिकट निर्णय नहीं होता है, कोई समाधान नहीं होता है। जिस विधानसभा में उसकी जनता भगवान के बराबर होती है, एक तरह से हम जनता की अदालत में देवतुल जनता के सामने अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। जो भी जनता निर्णय करेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। और एक चीज और कहते हैं, एक चीज और हमने अब निर्णय ले लिया है उनकी आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ। अपने बेटे को निर्दलीय लड़ाने जा रही हूँ। आप लोग हमारी राजा रही को